अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आई हूँ। मुझे पता है आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे एंड मैं आप लोगों को कोई भी सेल्स के बारे में अपडेट नहीं कर पाई थी एंड मैं इस बारे में भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं आप लोगों को सेल्स के बारे में अपडेट नहीं दे सकती थी। तो मैं इस बारे में भी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सारे मेरा इंतज़ार कर रहे थे एंड आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को सारी अपडेट्स देती हूँ सेल की। और आप लोगों को ये भी पता था कि मैं शादी में बहुत ज़्यादा बिजी थी और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पे बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त था, हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी। एंड मैं आपके साथ वो भी सारे ब्लॉग्स शेयर करूँगी, शादी वाले और उसमें कपड़े क्या पहने थे, क्या लिया था, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके अलावा आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। और जो है रमज़ान का महीना है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो इबादत का महीना है। आप लोगों ने मुझे भी याद रखना है अपनी दुआओं में, अपनी इबादत में, ताकि जो है हम लोग सब एक दूसरे को याद रख सकें और मैं भी आप लोगों को ज़रूर याद रखूँगी। उसके अलावा गाइज़, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब डेली आऊँ और आप लोगों के साथ सारे व्लॉग्स शेयर करूँ एंड इंशाल्लाह अब हम लोग जो है सारे कनेक्टेड रहेंगे और व्लॉग्स शेयर करेंगे क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप किधर चली गई हैं, कोई व्लॉग नहीं आ रहा, इतना टाइम हो गया, कहाँ गायब हो गई, आपका चैनल रुका हुआ, आप आए। तो मैं इस वजह से वापस आ चुकी हूँ थोड़ा सा ब्रेक के बाद क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी। ऐसा शादी यहाँ भी होती कराची में तो भी था, फिर भी मैं किसी तरह से अपने घर में व्लॉग्स के लिए टाइम निकाल लेती, लेकिन मुल्तान में थी शादी और वहाँ पे फिर मुझे यहाँ से आना, उधर जाना, इधर आना, आपको पता है, आप लोग अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं कि शादी में क्या क्या हलचल होती है और क्या क्या मसरूफियात होती है। तो इसी वजह से जो है मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी थी एंड देन अभी हम लोग आए हैं तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। और जो सेल के कपड़े हैं या फिर जो मेरे जो क्लाइंट्स ख़रीद रहे हैं मुझसे या मैं उनकी स्टिचिंग करा रही हूँ वो किस तरह से आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। और तो फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों को पता था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी कोई व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि रमज़ान अल मुबारक भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम अपने व्लॉग्स को शुरुआत करेंगे और इंशाल्लाह से डेली व्लॉग्स पोस्ट करने की मैं फुल कोशिश करूँगी और मैं रेगुलर हो जाऊँगी ताकि आप लोगों को मैं बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार कपड़े दिखा सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ कि कहाँ पर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अभी आप लोग ये वाला आउटफिट देख रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है एंड दिस वन इज़ फ्रॉम मारिया.B। ठीक है, मारिया.B का ये ब्रांड है और उन्हीं का आउटफिट आप लोग इसका गला देखें कि गला इसमें दिया गया था, फिर मैंने सारा उसको एप्लिक करवा के क्योंकि ये वाले जो इसके होल्स हैं ये इनमें ऑर्गेन्जा लगा हुआ था, फिर इसको पूरा जो एप्लिक वर्क करा के इसको ओपन कराया। उसके बाद अभी मैं आप लोग को इसकी खूबसूरत से स्लीव्स दिखाती हूँ एंड देन आप लोग इसका कलर तो देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है। उसके बाद स्लीव्स इसके मैंने इस तरह से बनवाए हैं क्योंकि स्लीव्स के ऊपर भी दर्द का सारा पैच दिया हुआ था लेकिन जो इसको एप्लिक वर्क करवाया पूरा। और जो है देन शर्ट की जो दामन थी वो इसके ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, बाकी जो सारी चीज़ें थी वो इसमें एप्लिक वाली थी तो मैंने वो सारी करवा ली थी। उसके अलावा ये भी जो मैं आपको अपने बता रही हूँ कि ये सेल में नहीं था क्योंकि जो केसरिया था उस पर 50% ऑफ था मारिया.B की क्योंकि लेटेस्ट कलेक्शन थी विंटर की, तो फिर मैंने ये ख़रीदा था। और ये मेरी एक स्पेन की कस्टमर है, उनका ड्रेस था, बहुत ही खूबसूरत है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस चूज़ किया। इसके अलावा ऐसे दो मेरे पास ऑर्डर आए थे, एक मेरा UK की कस्टमर थी, उन्होंने ख़रीदा था क्योंकि इसका कलर आप लोग देखें एंड देन इसका स्टाइल, उसका दुपट्टा, उसका ट्राउज़र, हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। उन्होंने फिर मुझे कहा था कि अनस्टिच उन्हें पसंद था एंड देन वो चाहती थी कि मैं उन्हें स्टिच करवा के दूँ, तो फिर मैंने उन्हें इसकी सारी स्टिचिंग वगैरह सब कुछ करवा के जैसे ये मॉडल पिक्चर में था उन्हें उसी तरीके से सेम रेडी करवा के दिया, नीचे लेसेस भी लगवाई हैं एंड देन आप लोग इसकी लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस है, जब पहन कर इसको बहुत ही एलिगेंट लगने वाला है क्योंकि ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था मारिया.B का। आप लोग इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करें, इसके पैचेस देखें, ये पूरे जो है एप्लिक वर्क के साथ इसको अटैच करवाया। अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। साइड आ चुकी है, बैक साइड इसकी पूरी प्लेन ही है। उसके बाद स्लीव्स आपने देखा कि मैंने फिर इसी तरह से इसको स्टिच करवाया क्योंकि अगर मैं इसको फिटेड स्लीव्स स्टिच करवाती तो इसकी पूरी लुक ख़राब हो जाती, पूरी एम्ब्रॉयडरी कट जाती। तो मैंने टेलर से कहा कि इसको आपने एज इट इज़ पूरा लेकर आना है जैसे मॉडल पिक्चर में, उसी तरह से इसको स्टिच करना है एंड देन आप लोग ये देखें इसके बॉर्डर पे बैक साइड पे कितनी क्यूट सी ये एम्ब्रॉयडरी है इसकी। ये भी मैंने इसके ऊपर लगवाई थी क्योंकि इस तरह से नहीं था, ओनली ये लेस दी हुई थी। देन इसको जो है पूरा अटैच करवा के इसकी अब एक बहुत ही एलिगेंट लुक बैक साइड से भी आ रही। खूबसूरत सा दुपट्टा दिखाती हूँ। ओके जी, अब आप लोग इसका खूबसूरत सा दुपट्टा देख सकते हैं, इसके ऊपर भी ये पूरी लेस अटैच करवाई थी इस तरीके से। बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है क्योंकि जैसे मॉडल पिक्चर में था तो जो मेरी क्लाइंट थी उन्होंने कहा कि उन्हें सेम वैसा ही स्टिच करवा के देना है, एंड मैंने भी यही चाहा था कि जैसे मॉडल पिक्चर में उनको उसी तरह से मिले एज इट इज़, ताकि जो है ये ड्रेस पहनकर एक बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी तो वो उसको एंजॉय कर सकें। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा इसको जो है वो मशीन वर्क के साथ जो इसकी लेस थी पूरी अटैच करवाई है इस तरह से, क्योंकि उसकी बैक साइड से जो है वो फिर बुरा सा नज़र आ रहा होता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ये पूरी बैक साइड से भी आप लोग देख सकते हैं मशीन के साथ अटैच हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। एंड देन 4 साइड्स के ऊपर इसको अटैच करवाया, एंड इसकी आप लोग लुक चेक करें इस दुपट्टे के साथ, बहुत ही खूबसूरत इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, एंड देन ये भी मोस्ट डिमांडिंग था। इसको मैं आपकी बैक साइड से दिखा देती हूँ। पूरी जो 4 साइड्स पे लेस अटैच करवाई थी वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लुक आ रही है इसकी। एंड देन इसकी जो बहुत ही अच्छी बात है दुपट्टे की, मज़ेदार बात यह है कि बैक साइड से अक्सर दुपट्टे जो है वो वाइट होते हैं, और इसमें आप लोग देखें कि इसकी बैक साइड ये इस तरह से ये डबल प्रिंट के अंदर दुपट्टा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एंड मुझे इसकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगी कि बैक साइड से फ्रंट से तो इसका और ही प्रिंट है, लेकिन जो अंदर से दुपट्टा है उसका इस तरह से प्रिंट है। तो आप लोगों ने देखा कि डबल प्रिंट में अगर एक तरफ से उस तरह से आता है दुपट्टा, देन अगर वो उल्टा भी हो जाता है तो उल्टी साइड से वो इस तरह से, तो बहुत ही खूबसूरत ये आउटफिट है। आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को उसकी पूरी डिटेल दिखाई है। एंड देन ये वाला ड्रेस जो है ये सेल में नहीं था, एंड आजकल जैसे कि अभी सीज़न ऑफ हो गया तो मारिया.B भी जो है वो सेल ज़रूर लगाते हैं, उनकी स्टोर के ऊपर भी एंड इवन वेबसाइट के ऊपर भी वो लोग लगाते हैं। जैसे सीज़न ऑफ हो जाता है देन वो अपने विंटर के जो ड्रेसेस हैं उनको सेल में ले आते हैं। ओके जी गाइस, अभी मैं आप लोगों को केसरिया का मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट दिखा रही हूँ, एंड यू कैन सी कि दिस वन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट ऑफ द केसरिया। और केसरिया के ऊपर मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पे 50% ऑफ भी चल रहा है, तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं और उसको अवेल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े। अच्छा, ये ड्रेस इतना डिमांड में था, जब मैं लेने गई थी तो ये तभी आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ था, और मुझे बहुत मुश्किलों से एक ही ड्रेस मिला था। ड्रेस है बहुत ही स्टाइलिश एंड वेरी एलिगेंट। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसका स्टफ़ आप लोग देखेंगे कि कितना अच्छा टेक्सचर स्टफ़ है। ये कॉटन टाइप है, जैसे कॉटन करंडी जिसको कह सकते हैं, या फिर ओनली कॉटन भी कहा जा सकता है। बहुत ही प्यारा उसके ऊपर ऑल ओवर के ऊपर जो है छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, और आप लोगों ने देखा कि इसमें 2 तरह के फ्लावर्स बने हुए, एक तो ऐसे रेडिश सा है और एक इसमें बेज सा है। उसके बाद ये इसकी स्लीव्स के ऊपर बॉर्डर है, एंड दिस आउटफिट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग इसको देखें, ये 50% पे मिल रहा था तो हमने इसको 50% पे ही ख़रीदा है, और ये मेरी एक कस्टमर का है जो कि स्पेन में रहती है, तो मैंने उनके लिए ये लेकर स्टिच करवाया। अब आप लोग इसका ब्यूटीफुल सा दामन चेक करें ना, आप लोग कहेंगे कि क्या बात है, ज़बरदस्त इतना खूबसूरत इसका दामन है। बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस शर्ट को, जैसे एक हैवी गाउन्स होते हैं ना उस तरह की। इसके ऊपर जो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी जिसको कहते हैं उस तरह की इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है। बहुत ही प्यारा ये ड्रेस है। आप लोग इसको देखें, चेक करें कि कितनी खूबसूरत इसकी एम्ब्रॉयडरी, और ये इसके बॉर्डर्स थे फ्रंट बैक के ऊपर। और इसको मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। पीछे से देखें, इस तरह से सारा जो इसके ऊपर हैवी काम हुआ हुआ है, ये पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये 2 पीस हमने ख़रीदा था क्योंकि मेरी कस्टमर ने कहा था, पहले उनको शर्ट चाहिए थी, फिर जब इसका साथ जो है वो ट्राउज़र भी मिल रहा था तो देन उन्होंने कहा कि मुझे 2 पीस ही चाहिए। तो आप लोग इसको देख लें। हाँ, मैं आपको इसकी बैक साइड से दिखाती हूँ। बहुत ही अमेजिंग सेल थी, उसमें बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे, जिसमें आप लोग ओनली शर्ट भी ख़रीद सकते हैं, 2 पीस भी ले सकते हैं, और या फिर आप अगर जो है वो जितना भी फैब्रिक लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो इसके साथ आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी पूरी बैक साइड और फ्रंट जो है पूरा सेम टू सेम है, और सारा जो बॉर्डर है यहाँ पर भी है। उसके अलावा जो स्लीव्स का बॉर्डर है वो थोड़ा छोटा सा था, वो इस तरह से, और वो इन्होंने सेपरेटली दिया हुआ था। और इसको भी मैंने इसे सिंपल स्टिच कराया क्योंकि इसकी मॉडल पिक्चर भी थी जिसपे ये सिंपल ही स्टिच हुआ हुआ था इसी तरीके से, बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो फिर मैंने इसको इसी तरह स्टिच करवाया। अच्छा, ये अनस्टिच पीस था जो कि मेरी क्लाइंट थी, देन उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें स्टिच करवा के दूँ, तो फिर मैंने उनके लिए ड्रेसेस को जो स्टिच करवाए, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आप लोगों को उन्हीं के कपड़े दिखाती हूँ और आप लोगों को भी आइडिया हो जाए ताकि ये कपड़े किस तरह से है और किस तरह से इनकी लुक है। क्योंकि पोस्टर्स के अंदर मॉडल्स पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आता जब तक हम उन्हीं कपड़ों को रियलिटी में ना देख लें।